हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो अगर टाइटल देखकर आप ये सोच रहे हैं कि आज मैं क्या सेलिब्रेट कर रही हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आज है 6 जुलाई और लास्ट ईयर 6 जुलाई को ही मैंने अपने चैनल पर सबसे पहला वीडियो अपलोड किया था। 25 जून को मैंने चैनल बनाकर रेडी कर दिया था और वीडियोस जो हैं वो मैंने 6 जुलाई से अपलोड करना स्टार्ट किए थे। सो आज है मेरे लिए बहुत ही स्पेशल दिन। मैं बात करूँ कि मैंने इस एक साल में क्या कमाया, तो पैसा तो नहीं कमाया, लेकिन कुछ लोग ऐसे कमाए जो कि मुझे ना जानते हुए मेरी वीडियोस देखते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, मैसेजेस करते हैं, कमेंट्स करते हैं। सो उन लोगों का प्यार, जो लोग मुझे जानते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं, उन सबको बहुत सारा थैंक्स करना चाहती हूँ। और जितने लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट रख के मेरे काम को देखकर चैनल को सब्सक्राइब किया, उन लोगों को भी मैं बहुत सारा थैंक्स कहना चाहती हूँ। सो आज इसी खुशी में मैंने सोचा कि कुछ मीठा बनाया जाए और मुँह मीठा कर लिया जाए। सो मन किया कि आज मीठे चावल बनाते हैं, क्योंकि वो हमें बहुत पसंद है और कुछ टाइम से बनाया भी नहीं था। और जब मैं कुछ स्पेशल बना ही रही थी तो सोचा कि रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 1 कटोरी चावल। मेजरमेंट्स का आप हमेशा ध्यान रखें। 1 कटोरी बासमती चावल को मैंने सिर्फ धो कर रखा है, भिगोया नहीं है। यहाँ पर मैंने लिया है येलो फूड कलर। उसके बाद मैंने यहाँ पर ली है 1 कप ही शुगर। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, 3/4 कप बिल्कुल बराबर रहेगी। उसके बाद लौंग सौंफ, सौंफ का फ्लेवर मुझे अच्छा लगता है, कुछ इलायची, किशमिश, काजू और बादाम। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मनमर्ज़ी के ले सकते हैं, मैंने इनको हाल्व्स में कट करके रख लिया है। उसके बाद गर्म पानी में केसर को भिगो कर मैंने रख दिया है, आप चाहें तो दूध में भी भिगो कर रख सकते हैं। खुले पानी में हमने चावल को पकाना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर अंदाज से पानी लिया है, जिसमें कि अच्छे से चावल जो है वो डूब जाए। तकरीबन आप 3 से 4 गुना पानी लेंगे, पानी को उबलने रख देंगे, उसके अंदर येलो कलर डाल देंगे और जो आपके भीगे हुए चावल हैं उनको आप पानी के अंदर डाल दीजिए। हमें यहाँ पर चावल को पूरी तरह से कुक नहीं करना है, हमें 80% ही चावल को पानी के साथ पकाना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर घी डाल दिया है 1 चम्मच, जिससे कि चावल जो है वो खिला खिला बने। और अब मैं इसे पकने दूँगी। चावल को अब ज़्यादा चलाएं नहीं तो उसका दाना टूट जाएगा। चेक करने के लिए आप देखेंगे कि ये दब तो जाएगा लेकिन पूरी तरह से मैश नहीं होगा चावल का दाना। दैट मीन्स कि ये 80% तक कुक हो चुका है। उसके बाद आप इसे छानकर इसका सारा पानी निकाल दीजिए। अब मैंने यहाँ पर ली है 1 नॉनस्टिक कढ़ाई, आप चाहें तो कोई भी मोटे तले वाला बर्तन ले सकते हैं। उसके अंदर मैं डालूँगी यहाँ पर 3 चम्मच भर के घी, देसी घी। इसके अंदर हमें जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं उनको हल्का सा रोस्ट करना है। सो मैं सबसे पहले यहाँ पर डालूँगी बादाम, उसके बाद काजू डाल दूँगी, उसके बाद मैं डालूँगी सौंफ और लौंग के दाने, किशमिश और इलायची पाउडर हम थोड़ा रुक कर डालेंगे। बस आप इन्हें अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लीजिए, उसके बाद हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। चावल बहुत ही खिला खिला बना था, आप चाहे तो यहाँ पर गोल्डन राइस का भी यूज़ कर सकते हैं। चावल डालने के बाद जो हमने चीनी अपनी मेजर करके रखी हुई थी वो हम डाल देंगे, शुगर ऊपर से डालकर आप इसे हल्के हाथों से मिलाएंगे, क्योंकि चावल का जो दाना है उसके टूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। बस इसे हल्के हाथों से आप पूरे शुगर को मिला दीजिए चावल के साथ। चावल का दाना आप देख सकते हैं कितना खिला खिला बना है। उसके बाद हम इसके ऊपर डाल देंगे इलायची पाउडर और किशमिश, इसे भी आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए हल्के हाथों से, और ढककर आपको इसे अब पकाना है 5 से 7 मिनट तक। उतनी देर में जो चावल की थोड़ी सी कसर बाकी थी वो अच्छे से पक जाएगा। उसके बाद आप जब चेक करेंगे तो आपका चावल जो है बहुत ही चमकदार बना होगा, एक शाइन होगी उसके अंदर और बहुत ही खिला खिला होगा और अच्छे से ये पक चुका होगा। बस अब आप इसके अंदर लास्ट इंग्रेडिएंट है वो मेरी चॉइस होती है, एक बार आप इसे ट्राई करके देखें, मतलब आप याद करेंगे। मैंने इसके अंदर डाला है रोज़ एसेंस, यानी कि जो रोज़ का एसेंस आता है, आप चाहे तो केवड़ा भी डाल सकते हैं। एक बार ट्राई करके देखिए और आपको बहुत अच्छा लगेगा, इससे जो फ्लेवर है इसका, ज़रदा का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
बस अपने मनपसंद पॉट में आप इसे सर्व कर दीजिए, गर्मा गर्म सर्व कीजिए, ये बहुत पसंद आने वाला है आपकी फैमिली को। और अगर वाकई आता है तो आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। अब घर में आपकी कोई भी अच्छी खुशखबरी हो या कुछ ना भी हो, वैसे ही सेलिब्रेट करने के लिए आप ये चावल ज़रूर ट्राई करें, ज़रदा पुलाव ज़रूर ट्राई करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताएं। मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का। अब आप सोच रहे होंगे मैंने केसर का इस्तेमाल तो किया ही नहीं, तो केसर मैंने बिल्कुल संभाल कर रखा था एंड में यूज़ करने के लिए, गार्निशिंग के लिए। तो यहाँ पर इसे डेकोरेट करने के लिए मैंने केसर के जो स्ट्रैंड्स हैं वो उनको लगाया है, और कुछ कैशू और आलमंड्स के साथ इसे मैंने सजाया है। कि रेसिपी आपको पसंद आई होगी और आप भी इसे ज़रूर ज़रूर ट्राई करने वाले हैं। ट्राई करते हैं, पसंद आता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।